बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज आपको मैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी दे रही हूँ, ऐसी रेसिपी जो तकरीबन बकरीद पे पहले दूसरे रोज़ हमारे हर घर में बन जाती है। वो है ब्रेन मसाला की रेसिपी, यानी कि भुना हुआ मगज़। इसकी काफ़ी तरीक़े हैं बनाने के, लेकिन आपको एक रेसिपी मैं आज दे रही हूँ और इंशाल्लाह बकरीद से पहले मैं आपको दूसरी रेसिपी भी दे दूँगी। तो इस रेसिपी के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हमको चाहिए, चलिए आइए सबसे पहले उन्हें नोट डाउन कर लेते हैं। ब्रेन मसाला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने भैंस का मगज़ लिया है। ये काफ़ी बड़े साइज़ का होता है, तकरीबन 300 ग्राम्स का एक मगज़ होता है, ये हमने लिया है। और मैं आपको एक और वीडियो में सिखा चुकी हूँ कि इसके अंदर से हमें रगे जो हैं वो किस तरीके से उतारनी है, तो आप उसे फॉलो करते हुए इसकी रगे साफ़ करके इसे साफ़ कर लीजिएगा। दो स्मॉल साइज़ के टोमेटोज़ लेके मैंने उन्हें राउंड काट लिया। इस तरीके से टमाटर जो होते हैं वो काफ़ी जल्दी घुल जाते हैं और बिल्कुल पेस्ट अच्छा बन जाता है। दो हरी मिर्चें लेके उन्हें मैंने फाइन चॉप कर लिया है। एक इंच अदरक का टुकड़ा है, इसे जूलियन कर लिया है। आधा लीमू का रस हम इस्तेमाल करेंगे। एक मीडियम साइज़ की प्याज मैंने चार खाने की काट ली है, यानी कि फ़ाइन चॉप कर ली है। लहसुन चाहिए होगा एक चाय का चम्मच, अदरक चाहिए होगी एक चाय का चम्मच। इसके अलावा चार खाने के चम्मच हमको दही चाहिए होगा फेंटा हुआ। मसाले जो हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे उसमें एक चाय का चम्मच नमक, एक चाय का चम्मच पीसी लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच हल्दी, एक चाय का चम्मच धनिया पाउडर, एक चाय का चम्मच जीरा पाउडर, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला। उसके अलावा एक चाय का चम्मच हम इसके अंदर सूखी मेथी, यानी कि कसूरी मेथी इस्तेमाल करेंगे। और क्वार्टर कप हम इसके अंदर ऑयल इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मैंने पैन के अंदर क्वार्टर कप ऑयल ले लिया है और इसके अंदर हम प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे। प्याज को हल्का ब्राउन करने के बाद इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। साथ ही तमाम मसाले चले जाएंगे इसके अंदर। अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे। और अब हम मसाले के अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि इस मसाले को हम अच्छे तरीके से पका लें और इसका कच्चापन खत्म हो जाए। तो इसे एक मिनट पकाते हैं, जब इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा तो इसके अंदर हम टमाटर शामिल कर देंगे। तो मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है, ऑयल ऊपर आ गया है। अब हम इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे। और इसके अंदर हम दोबारा से थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि हम टमाटरों को अच्छे तरीके से गला सकें और उसका एक पेस्ट जैसा बना सकें। मैं पैन को कवर कर दूंगी, आंच को स्लो कर दूंगी और उसके बाद हम टमाटर अच्छे तरीके से गला लेंगे। टमाटरों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से पका लिया और आप देखिए बिल्कुल ये पेस्ट की तरह बन गए। स्टोव जो है वो मैं बिल्कुल स्लो पे कर रही हूँ इस वक्त। और इसके अंदर अब हम डाल देंगे ये मगज़, साथ ही इसके अंदर हम अदरक भी डाल देंगे। और दो चीज़ें जो मैंने आपको शुरू में दिखाई नहीं थी, मैं भूल गई थी, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है आधा चाय का चम्मच काली मिर्च कुटी हुई और 1/4 टीस्पून यानी के चौथाई चाय का चम्मच अजवाइन, ये दो चीज़ें भी इसके अंदर हमने शामिल कर देनी है। अब हम इसे मिक्स करेंगे। इसके ऊपर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, तकरीबन 2-3 टेबलस्पून के करीब। और इसे कवर करके अब हम धीमी आंच के ऊपर पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 10 मिनट के अंदर ये ब्रेन बिल्कुल अच्छे तरीके से गल जाएंगे, तो फिर हम इनको चमचे से 2-4 बड़े बड़े टुकड़ों में तोड़ लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 5 मिनट के बाद ऑयल ऊपर आ गया है और ये भेजा जो है या मगज़ जो है ये पका हुआ हो गया है तकरीबन। अब इस वक्त इसके अंदर मैं दही शामिल कर दूंगी।
साथ ही चली जाएगी कसूरी मेथी। मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से और तेज आंच के ऊपर अब हम दही को भून लेंगे। तो इसे अच्छे तरीके से तेज आंच के ऊपर अब भून लेते हैं। तो जनाब थोड़ी ही देर के अंदर तमाम दही भून गया है और ये देखिए सालन बिल्कुल रेडी हो गया है। जब इसको मैं दही को भून रही थी तो मैंने 4-5 बड़े बड़े टुकड़े जो है वो मगज़ के कर लिए थे, तो ये अब बिल्कुल साबुत साबुत आपको बड़े बड़े टुकड़ों में दिखाई दे रहे हैं, तो इस तरह अच्छा लगता है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। साथ ही हम इसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्ची डालेंगे। और एक आधा नींबू हम इसके ऊपर थोड़ा सा स्क्वीज कर देंगे। स्टोव बिल्कुल स्लो करके इसे 1 मिनट के लिए मैं सिर्फ दम पे रखूंगी और उसके बाद मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाऊंगी। तो हमारा मज़ेदार ब्रेन मसाला बिल्कुल रेडी है। बहुत ही क्विक और बहुत ही इजी रेसिपी है, ट्राई कीजिए, यकीनन आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस कीजिए। इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज है, उसे लाइक कीजिए, वहाँ आपको काफ़ी रिटन रेसिपीज मिल जाएंगी। मुझे अपने कमेंट्स में अपने सजेशंस और अपने व्यूज़ शेयर करते रहा कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।